इसी जगह पर अमीर मुजाहिदीन उस्ताद अल-अल्लामा कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज़ ख्वाजा हुसैन चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी जगह पर फैज़ा फैज़ाबाद को आप कह रहे थे फैज़ाबाद अहम मंदरजी कभी देखे ही। और आज अरसा इतराज के बाद फैज़ाबाद के इस मुकाम पर हम शहदाए फैज़ाबाद को जद्दत असीम पेश करते हैं और शुमाली पंजाब के अमीर शहीद सैयद नादर अच्छा साहेब और उनकी पूरी टीम और इस्लामाबाद के नाजमे आला मोहम्मद रिजवान सैफी साहब को और उनकी टीम को जद्दत असीम पेश करते हैं। एक बेला उसने जबाने रखा फैज़ाबाद को, फैज़ाबाद कभी अजी मंदिर देखे तो मैं उन तमाम कारकुनान की तरफ बाबर की खिदमत में यह अर्ज करना चाहना कि अमीरुल मुजाहिदीन असी जो वादा तुहाडे नाल कीता सी अज असी उस वादे ते कायम हाँ और इंशाअल्लाह जिस जगह खत्म दो जहां होंगे जिस जगह मैं सिर्फ गल बनाने से गल नहीं कर रहा मैं कीर्तन गल कर रहा जिस जगह अल्लाह और रसूल की इज्जत का सब जिस जगह खत्म दो जहां होंगे हम तेरे मुंतजर वहां होंगे। बाबे भी देने वाले इशारा करके बार बार कह रहा सन कोई इकबाल का कलाम पढ़ गया यहाँ हल्का ही करो बेशा वो मरते खुदा कैसा कि मैं उन करदा उतार दिया यहाँ वो ही कलाम इकबाल का अपने अमीर मोहतरम वाले इशारा करके आ जाना हल्का ही करो बेशा वो मरते खुदा कैसा ए हल्का एक रोवेशा वो ये मर्दे खुदा कैसा ए हल्का एक रोवेशा ये मर्दे खुदा कैसा हो जिसके गिरे बा में हंगामा है रुस्ता फेर रह गए कल गई है पाकिस्तान दी कि तहरीके लबैक पाकिस्तान वो दूर दी तक और नामुस्ती मुआफ़े दे तहरीके लबैक पाकिस्तान अमलत खत्म नबूवती मुआफ़े दे और तहरीके लबैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त हुजूर दी इज्जत और नमूस से और दीन की खातर अपनी कुर्बानियां पेश करने से तैयार है और कौम से भी कोई मुश्किल वक्त आए तो फिर भी तहरीके लबैक कुर्बानियां देनी थी गान और इस सैलाब सरकार वास्ते मुश्किल हालात कितना कितना कितनी खिदमत तहरीके लबैक पाकिस्तान की थी वो खिदमत किसी तहरीक किसी जमात ने नहीं की थी जी तहरीके लबैक पाकिस्तान ने की थी और मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में तिलावतों में बना है रात को शबीने हो रहे थे तरावी में कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी लोग शबीने कर रहे थे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे रात सताईसवीं रात थी और अगले दिन जुमातुल विदा का दिन था और रात 12 बजे ऐलान हुआ था हजरात यह रेडियो पाकिस्तान है जो गुल कुरान मजीद की तिलावतों में और जुमातुल विदा की सातों में मार के वजूद में आए उसे ना नून लीग खत्म कर सकती है ना पीडीआई खत्म कर सकती है ना पीपल पार्टी खत्म कर सकती है यह जितना भी खा ले यह जितना भी मुल्क पाकिस्तान को खाए फिर भी मुल्क पाकिस्तान कायम है। और फिर कहते हैं ऐ जो होने ए आर वही बंद है ना जी क्या हम गुलाम है वो
नहीं करते कि अरविंद जी नहीं, आप गुलाम नहीं है, आप तो कौन गुलाम करता है? ए आर भाई चूंकि इमरान खान की फिक्र करता है, पी टी आई की फिक्र करता है, इसलिए उसके बंद होने पर पूरा अमरीका चीख रहा है। मुझे खारजा तो क्यों तकलीफ है, ए आर भाई के बंद होने पर उन्हें क्यों तशवीश है? भाई पूरी दुनिया में यमन लट गया, कश्मीर में बर्बरियत हो गई, मुसलमानों का कतलेआम हो गया, चेचिनिया में, बोस्निया में, पूरी दुनिया के हिस्सों में, यमन में, शाम में, लेकिन कभी भी वजीर खारजा अमरीका के वजीर खारजा को कभी परेशानी ना की, कभी तशवीश नहीं हुई। डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी की माँ अपनी बेटी के इंतजार में चली गई दुनिया से, लेकिन अमरीका के वजीर खारजा को तशवीश नहीं हुई। डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी 86 साल की कैद अमरीका जेल में काट रही है, लेकिन वजीर खारजा तो अमरीका के वजीर खारजा को कोई तशवीश नहीं, अब क्यों तशवीश है? और फिर कहते हैं कि हम गुलाम हैं, आप गुलाम ही तो और क्या है? गुलामी के अलावा आपके पास क्या है? अमरीका की गुलामी का दौर तुम्हारे गले में है और मदीना इत्तेहादार की गुफाम का दौर हमारे गले में है। तो दीन के साथ वफा करना, नबी रहमतुल्लाह के साथ वफा करना, ये तहरीक लफ्ज़ का शियार है। और आलम कुफर अमरीका और यूरोप का पटा तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है, फिर तुम कहते हो कि हम गुलाम हैं। भाई तुम गुलाम नहीं तो और क्या? और ये कहना कि जनाब इमरान खान के झंडे के गले नीचे आ जाने, जब इमरान खान गोलियां चला रहा था और तहरीक लफ्ज़ पाकिस्तान के नबी रहमतुल्लाह की इज्जत और नाबूस के मुहाफ़िज़ों की लाशें गिरा रहा था, उस वक्त इमरान खान का ईमान कहाँ था? उस वक्त कलमा कहाँ था? नामूस इंसान का परचम कहाँ था? अब आप कह रहे हैं आप इमरान खान के झंडे के नीचे आ जाए, उसके पास झंडा है कौन सा? इमरान खान का झंडा है क्या? इसलिए बंदा तो खड़े आ जाए। तहरीक लफ्ज़ के पास जो परचम है वो तो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात के मुसलमानों का दावा दे रहा है कि आप तहरीक लफ्ज़ के परचम के नीचे आ जाए। वफादार भी तहरीक लफ्ज़ पाकिस्तान है, अपनी कौम की वफादार भी तहरीक लफ्ज़ पाकिस्तान है, हुज़ूर की इज्जत और नामूस की मुहाफ़िज़ भी तहरीक लफ्ज़ पाकिस्तान है, और ख़त्म नबूवत की मुहाफ़िज़ भी तहरीक लफ्ज़ पाकिस्तान है। अल्लाह ताला शहदाए फैज़ाबाद के मज़ारात पर अपनी करोड़ों राम नाज़िल फरमाए और पूरी उम्मत को दलेरी के साथ हुज़ूर की इज्जत और नामूस का करा देने की तौफीक अता फरमाए। लफ्ज़ लफ्ज़ लफ्ज़।